तो ये हमारी पावन अयोध्या नगरी की गलियां। क्या हुआ बेटा, वो बोल गया थोड़ा काम कर लो। क्या हो गया, क्या ये चिची आ गई? चलो मैं क्लास पढ़ता हूँ, करो करो करो। क्यों क्या मम्मा के? ओए यहाँ गिरा हुआ देखो मम्मा। तो क्यों क्या ई करो। पीना नहीं है, ठीक है, पीना नहीं है, ठीक है। प्लान तो था कि सुबह सुबह थोड़ा जिम निपटा देंगे, लेकिन लग नहीं रहा, बस थोड़ा सा वॉक करते हैं 20 मिनट, फिर निकल लेंगे। सुबह सुबह बड़े बच्चों का तो देखो, बड़े बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, स्कूल जा रहे थे, शायद उनका प्री बोर्ड होता ना, जनवरी चालू होता हूँ, पढ़ते पढ़ते जाते हैं, हमको अपना टाइम याद आ गया। हम लोग जाते थे बस में पढ़ाई करते हुए, और फटी रहती थी भाई, और सारे दोस्त हरामी होते थे। कुछ दोस्त बस ऐसा कुछ पढ़ के आ जाएंगे जो उनको पता है कि किसी को नहीं मालूम होगा, और वो एग्जाम में आता भी नहीं था, और मतलब वो बहुत डिफिकल्ट था, साले भाई पूछेंगे, और सब बंदों को जाके वो एक एक सवाल पूछेंगे, और सबकी बाहर दे देते वो, जैसे 15 लोग के पास गए, वो 15 लोग की फट गई, और वो जो वो सवाल पूछ रहा है ना डिफिकल्ट वाला, वो खुद कुछ पढ़ के नहीं था, उसका बस एम ये था कि मैं दिखा दूं सवाल पूछ के कि मैं बहुत पढ़ के आया, और दूसरों की फाड़ दूं। बस भाई ये एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि एकदम से दिमाग में आया मेरे, शायद मैं अयोध्या जा रहा हूं, तो बहुत लोगों लगे वाह यार क्या किस्मत है भाई तुम लोगों की, है तुम लोग वीडियो बना बना के इतने एडवांटेजेस ले लेते हो, यहां जा रहे हो वहां जा रहे हो। तो और बॉम्बे में इस बार जब गणपति हुआ था तो ऐसा देखा था कि नॉर्मल लोग धक्के खा रहे लाइन में, और बॉलीवुड के स्टार्स आए उनको आराम से दर्शन हो रहा, तो बहुत हुआ था हल्ला कि ऐसा क्यों, भगवान तो सबके लिए सेम है, भगवान एक है, किसी को VIP ट्रीटमेंट क्यों, VVIP कल्चर क्यों। मेरे तुच्छ प्राणी का ये तुच्छ सा सोच है, बस शेयर कर रहा हूँ खाली, हो सकता है मैं गलत भी हूँ तो माफ़ कर देना, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जिनको भगवान ने ऐसा मौका दिया है कि अपने पास इतना बुला रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उन्होंने कुछ तो प्रारब्ध अच्छे किए होंगे पिछले जन्म के, कुछ उनके अच्छे कार्य होंगे जिनका लेखा जोखा, क्योंकि भगवान के जो हिसाब किताब है ना बहुत पक्का है। भगवान नहीं करते है कि किसी के साथ गड़बड़ी या नाइंसाफी, धरती पर हो सकता है कि कोर्ट में जज वकील से गलती हो जाए, वहाँ नहीं होती, तो कुछ उनका होगा अच्छा कर्म उनको मिला है। और रही बात यह कि भगवान सबके लिए एक है, चाहे लाइन में खड़े होकर धक्के करके प्रार्थना करो, या कोई अच्छा सेलिब्रिटी है जो भगवान के पास पहुंच जाए लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, तो सोचो प्रेयर किसकी लगेगी, किसकी प्रार्थना, किसका भजन लगेगा। जो सच्चे मन से कहना चाहे भगवान से कोसों मील दूर हो, अमेरिका में बैठा हो, उसकी सुन लेंगे भगवान, सच्चे भक्तों की सुन लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें तो मौका नहीं मिल रहा, जहाँ पे भी हो जैसे भी हो, सच्चे मन से अगर कनेक्शन बन गया ना, वो बैकुंठ धाम में बैठे नए वाला सब सुन लेता है, उसको ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा मेरे पास। बैक होम काफी लेट हो गया भाई, खोलो खोलो रस्सी का सुबह सुबह नहीं हो गेम आ गया, खोलो 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 जल्दी जल्दी खोलो, कहाँ से खुद देखो भैया मैं लेट हो रहा हूँ। पहुँच गए मैं एयरपोर्ट, आज कुछ सामान नहीं जा रहे, दिस इज ओनली बैग आई एम कैरिंग। अयोध्या की पावन धरती पे, और ये रहा यहाँ का नया नया एयरपोर्ट, पूरी रामायण लगा दी। पहुँच गया अयोध्या में, और मुझे यहाँ मिले हैं विष्णु जैन जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन माफ़ करिएगा मेरे को, तो इनके फादर हैं श्री हरि जैन जी, हरिशंकर जैन जी, और ये हैं तो राम जन्मभूमि का जो अयोध्या का केस हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, उनमें भी ये थे, और अभी जो ज्ञानवापी का केस चल रहा है, और जो कृष्ण जन्मभूमि चल रही है, तो दोनों केस में सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच सर इतना करने के लिए। मुझे आपसे ये था कि जो डेटी होते हैं उनको एक ज्यूरिस्टिक मतलब एक लीगल पर्सन माना था, कोर्ट में उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो कौन लॉयर होता है कि जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में? देखिए हिंदू देवी देवता जो हैं वो जीवंत प्राणी माने जाते हैं, ज्यूरिस्टिक एंटिटी माने जाते हैं, मतलब उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और वो केस फाइल कर सकते हैं, तो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी हमेशा केस थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड फाइल करता है, नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा ये कोर्ट डिसाइड करती है, हर आदमी को अधिकार है केस फाइल करने का। केस फाइल करने के बाद मान लीजिए अगर किसी मुकदमे में 10 नेक्स्ट फ्रेंड आ गए तो कोर्ट तय करेगी कि उसमें सबसे सूटेबल नेक्स्ट फ्रेंड कौन है, और फिर वो उनको नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त करेगी। तो सर
सर ये नेक्स्ट फ्रेंड का फंडा और भी धर्मों में है कि सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू देवी देवता एक जीवंत प्राणी माने जाते हैं, लिविंग एंटिटी माने जाते हैं। और यही मैं बताना चाहता हूँ, राम मंदिर केस में 2020 पेज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बात होल्ड की है कि जो डेटी है वो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे कंपनी का लॉ है कि कंपनी में कोई डायरेक्टर आए या जाए, कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी शायद चलती रहती है। उसी तरह से हिंदू देवी देवताओं के नियम में और सनातन धर्म में जो देवी देवता हैं वो अजर अमर हैं, वो मूर्ति तोड़ने से कभी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे पूरी रामायण दर्शाई गई है, एक एक सीन, और इनपुट बना तो अच्छा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा छोटा है अभी, जितनी कैपेसिटी फ्यूचर में ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं थोड़ा छोटा है, तो अभी के लिए ठीक है, फ्यूचर में एक्सपेंड करना पड़ेगा। रहा नया एयरपोर्ट, हालांकि अभी भी थोड़ा काम चल रहा है, बट हाँ इनॉग्रेशन टाइप के लिए बन चुका है। एंड दिस इज आवर कार, पूरी मजेदार रही हमारी। एक अंकल थे, उन्होंने भजन कीर्तन राम आरती हनुमान आरती हनुमान चालीसा सब मतलब मजा लगा रखा, और पूरी फ्लाइट भजन करते हुए ही आई हमारी। इस पॉइंट के बाद ज़्यादा परमिशन है नहीं, इस पॉइंट के बाद गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरफ जाने को। आने वाले हैं उनका तो चत्तू बन गया हुआ है, जो बाहर से हैं उनको पुलिस इसको। अच्छा, बसों में पुलिस आई भर के? पुलिस आई है। अरे 22 तारीख को तो सारी पुलिस यहीं पे होगी, उत्तर प्रदेश की है सारी का, वो पहले से देखो भाई, पुलिस ही पुलिस है भाई, लोगों से ज्यादा भैया पुलिस हो गई यहाँ। ये नया ये नया यही तो हुआ था दीपोत्सव, हम ही तो आए थे, है ना, नया घाट। अच्छा सर, यू यहीं पे कट के आई यहीं पे, लेकिन यहाँ पे उस दिन इतनी भीड़ थी दीपोत्सव के दिन, अरे पूछो नहीं भैया, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। जगह चल रहा है, लंगर, सारी दुकानें सजी हुई है, पूरा जश्न माहौल। दुकानें हैं सबका बोर्ड देखेंगे, सब सिमिलर कर दिया, जयपुर वाली वैसे बिल्कुल सेम, तो सारी दुकानों का ये अभी जहाँ आए थे दीपोत्सव में सब तोड़वा के सबका सेम पेंट हुआ है, सब दुकानों का ये सेम तरीके का बोर्ड लगा है ताकि यूनिफॉर्मिलिटी आए पूरी। ये है यहाँ की लता चौक, और यहाँ पे है भीड़ भड़ा का गजब। ये है मेन मंदिर की एंट्रेंस, वहाँ हम लोग उतरे रोड पे, एंड यहाँ से मेन मंदिर का रास्ता स्टार्ट है। अच्छा, अंदर नहीं लगेगा, अच्छे से लगाना। भाई पूरा मस्त बना रहे हैं, देखो वो मंदिर है ना, वो ये वाला मंदिर राम मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर है कोई। ये जो लाइन लगी हुई है ये अभी रामलला की दर्शन कर सकते हैं, मूर्ति के अंदर जाके गर्भगृह तक दर्शन कर सकते हैं। एंड भयंकर लंबी लाइन है भाई, फोन वोन सब जैकेट सब बाहर उतार दिया आपने, एंड ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है भैया। मूर्ति लग चुकी है अंदर? अरे अभी नहीं, आज लगेगी, तो आज लगेगी, तो अभी दर्शन किसी के करने जा रहे हो गर्भगृह का? पुरानी मूर्ति, पुरानी मूर्ति कहाँ रखी है अभी? चबूतरे में ही है, है? जहाँ पहले थी चबूतरे में, अच्छा वहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो नॉर्मल दर्शन पहले करते थे मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर मूर्ति लगाएंगे, मैंने सुना मूर्ति लगा दी गई है, पहुंच गई है। ये जो दुकानें बन रही हैं नई, ये बोलते हैं कि ये ट्रस्ट के अंदर की जमीन है, तो ऐसा रेनोवेट करेंगे ताकि सारी दुकानें सेम लगे पूरे रास्ते में, यहाँ पे भी बनेगा, सब कुछ बनेगा ताकि सेम लुक आए, सब कुछ सिमेट्री लगे। और चौड़ी देखिए कितनी सड़कें चौड़ी कर दी भाई, इतनी चौड़ी हुआ नहीं करती थी, यहाँ से यहाँ मस्त कर दिया भाई। हम हमेशा बोलते हैं यार देखो, शहरों में सड़कें टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा, देखो यहाँ सब कर ही दिया ना, ये सड़कें इतनी चौड़ी कैसे, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ था, किसी का भी था अतिक्रमण था जो था, यहाँ पे भी कर ही दिया, तो मतलब अगर विल पावर है करने की, सरकार करना चाहे कर सकती है, क्या मुश्किल है उसके लिए, मतलब मुश्किल है तो कर सकती है। उन्होंने अनुष्ठान लिया है तो लेट के जा रहे हैं, भैया कहाँ से चालू किया इन्होंने? 9 किलोमीटर, कितना समय लगा भैया 9 किलोमीटर करने में? अरे अरे अपना एक बार बेटा दोबारा, रामजी दास राम जी दास से मिले अभी, 14 साल का बालक है, ऐसा लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन इसकी भक्ति देखेंगे ना तो बड़े बड़ों को पीछे कर देगा, है ना, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपको, जय श्री राम। पूरी मार्केट बन गई है, ये देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये तो पुराना
है ही अपना, जानते होंगे हनुमानगढ़ी का मंदिर आ गया। ये रोड इतनी चौड़ी कर दी हम जब लास्ट टाइम आए थे, इतनी सी रोड थी ऐसे, यहाँ से हम लोग गए थे यहाँ यहाँ तक दुकानें थी, पता नहीं पीछे कैसे कर दिया। मेरा जो 14 वर्ष का, उसकी वाणी अगर सुनते आप, संतों की वाणी लग रही, छोटे बच्चों से तो भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न होते। ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, ऐसे ऐसे बालक तपस्या से भगवान विष्णु को धरती पर आने के विवश कर दिया। तो अभी जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में, बोल रहे हैं कि राम मंदिर में, रामलला में बहुत लाइन है, यहाँ से फटाफट हो रहा है। दर्शन कंप्लीट, अभी देखते हैं रामलला के दर्शन हो पाते कि नहीं। लेकिन सोचिए भगवान ने अपनी जिंदगी किन मर्यादा और किन असूलों पर जी होगी कि 7,000 साल बाद भी लोग जय श्री राम जय श्री राम, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यारा जय श्री राम। राहुल जी हनुमानगढ़ी के बाहर ही आते हैं लड्डुओं की दुकान, ये बताइए कितने सालों से लगा रहे हैं आप? दादाजी के समय से। क्या दिया बताएंगे? नारियल के लड्डू है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच भैया। प्रेम है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस समय पुलिस फोर्स देखिए, झांसी से हैं और ड्यूटी लगे हुए। कब से झांसी में? अच्छा, अयोध्या में 10 दिन। और जाएंगे कब? ड्यूटी कब खत्म होगी? 30 तारीख के बाद। 31 के बाद जाएंगे। 26 जनवरी मना के यहीं पे जाएंगे। चलिए धन्यवाद आपको। ये है हमारी पावन अयोध्या नगरी की गलियाँ, सब मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी थी, जो मेन जो दिखा ना आपको चौड़ी हो गई, अभी भी काम चल रहा है। तो मेन जो चौड़ी हो गई वो चौड़ी क्यों गई है? अदरवाइज सब देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा गुरुकुल आप लोग का ही गुरुकुल है ये? हैं? आश्रम है। अच्छा आप लोग ऐसे कहाँ से हो? कहाँ से हो? यूपी से। ले सकते हैं आपका वीडियो? हैं? क्या नाम है आपका? पंडित विवेक चतुर्वेदी। कितनी उम्र है? 18। और आप क्या पढ़ाई करते हो? आश्रम मतलब रहते हो लेकिन गुरुकुल में पढ़ते हो? क्या कौन सा वेद पढ़ रहे हो अभी और कितने सालों से पढ़ रहे हो? अभी तो 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए है? अच्छा, और अभी अभी आयो, कहाँ से आयो? यूपी से। और कौन सा वेद पढ़ रहे हो अभी? अच्छा, वो भी पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत यहीं पे आके सिखाते हैं? संस्कृत आती थी आपको? यहीं पे पढ़ते हो जी। और मतलब घर वाले फिर कब तक मिलने आते हैं? घर कितनी बार जाते हो? बस याद तो आती होगी फिर। आप तो छोटे लग रहे हो, आपकी उम्र कितनी है? 14। यार अगर किसी को संस्कृत ना आती हो और वेद का ज्ञान चाहिए हो तो कितना समय लग जाएगा संस्कृत सीख के वेद का ज्ञान? क्या बात कर रहा है भाई, 6 महीने में हो जाएगा? अच्छा, और यहाँ पे कितना वो लगता है गुरु दक्षिणा रहने खाने और सीखने का? अच्छा, फ्री है यहाँ पे। आप सेवा करते हैं फिर? है मंदिर की सेवा करते हैं आप दिन रात? अरे बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके। चलो जय श्री राम। समय आपको जो गलियां दिख रही, जितनी चौड़ाई है, जो दुकानें हैं, ये असली अयोध्या है। अब तो चलो जो बन गया बन गया। तो फाइनली अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, जो इनविटेशन है राम मंदिर का, वो कैसा दिखता है वो देखेंगे। चाय के लिए, चाय के साथ क्या खाएं? क्या अच्छा मिल रहा है यहाँ पर? पहचान के नमस्कार, क्या अच्छा मिल रहा है? अच्छा, वो यूपी की फेमस है, आप वही खा रहे हो? वाह, तुम खुद कुछ और खा रहे हो, हमको दही जलेबी खिला रहे हो? दही जलेबी रिकमेंड कर रहे हैं लोग, दही जलेबी बेस्ट है यहाँ की, पूरे यूपी की फेमस है। खाना दही जलेबी एक ले लेते हैं, विल ट्राई। तो मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन आज खा लूंगा भैया। दही जलेबी एक दीजिएगा। अयोध्या की दही जलेबी कुल्लड़ में स्पेशल। अभी हम लोग आ गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अगरबत्ती आई है, 108 फीट की है, जो 90 दिनों तक चलेगी और गुजरात से लाई गई है। वो आपने जरूर न्यूज़ में देखा होगा।
अगरबत्ती तो यहाँ पे नहीं है, अगरबत्ती कह रहे इतनी बड़ी है कि अभी यहाँ आनी पा रही है, लाएंगे उसको यहाँ पे। तो हमने तो लगा यहाँ पे है, लोगों ने बताया। तो यहाँ पे फिलहाल मंत्र चल रहे हैं, जाप चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, हवन चल रहे हैं, और यहाँ पे शिवलिंग बने बहुत सारे, पूजा अर्चना हो रही है। सारे संत जो हैं, लोग हैं, महात्मा हैं, सब यहाँ पे आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीम दिन भर साथ में घूमे आज, थैंक यू सो मच। साढ़े छः हम अयोध्या से चल दिए थे, अभी हो रहा है 8:40 और हमारी फ्लाइट थी 10 बजे की, जो कि 11:40 की हो चुकी डिले। रास्ते में सो लिया 1 घंटा एंड मजे आ गए भी आज के दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आप सबके परिवार को श्री राम ब्लेस करेंगे, बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे। नया साल शुरू हुआ है एंड नए सारे भगवान भी आ गए। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।